नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आ रही है। करनाल के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है और सीएमओ ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और सीएमओ का घेराव करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। कहीं उनको सीएमओ को ज्ञापन भी देंगे, क्योंकि जो ठेका कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उसके 3 महीने के बाद उनको दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ता है। वही कच्चे से पक्का करने की मांगे उनकी, कई मांगे हैं ऐसी जिसको लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और फिलहाल उनसे बात करते हैं कि आज किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी सोकम चैट से सी टू के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तमाम सीएमओ को ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य रूप से मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं मोदी और बीजेपी और खट्टर सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं कोरोना योद्धा है, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को कहीं ना कहीं फजीयत करने का काम कर रहे हैं। हर 3 महीने बाद इनकी नौकरी पर तलवार लटकाने क्रम में आज पूरे प्रदेश में सी टू सोकम चैट संघ तमाम स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं सीएमओ के माध्यम से। और ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी के जो मांगे हैं, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, चाहे वेतन की बात है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा प्रदान की बात है, चाहे ईएसआई की बात है, इन तमाम मांगों को लेकर सरकार उनके ऊपर ध्यान दे और मैनेजमेंट ध्यान दे और इनके मांगों को जल्द से पूरा करे। अन्यथा आने वाले समय में सोकम चैट संघ सी टू बहुत बड़ा ऐलान करने के बाद इन कर्मचारियों के समर्थन में कोई बड़ा आंदोलन की भी घोषणा कर सकता है। साथियों, आज किसको ज्ञापन देंगे? आज सीएमओ को ज्ञापन दे रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे करनाल जिले के जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे अलग अलग ट्रेड यूनियन में जितने हैं, उन सारे कर्मचारी आज सोकम चैट संघ और सी टू के नेताओं के साथ और बैनर सोकम चैट संघ का लेकर आज सीएमओ कार्यालय में पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। चलो, तो यहाँ पर अगर सीएमओ नहीं मिले हैं तो किसको ज्ञापन देंगे? देखिए, इनको पहले से सूचित किया गया हुआ है। अब सीएमओ अगर नहीं मिलता, चलो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि यहाँ का, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई अकाउंटेंट, कोई हेड क्लर्क, कोई भी जो भी आओगा हमारी, तो आज ज्ञापन का बात है। हमने मात्र ज्ञापन देना, आज मात्र संदेश देने के लिए आए हैं। तो ये संदेश उनके द्वारा कोई भी ले जा सकता है। इसके ऊपर अगर कार्रवाई करनी है तो वो तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़ा भी हो सकता है। आज तो मात्र हम लोग संदेश देने के लिए आपके बीच माध्यम से। तो हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं जिनसे जानते हैं। सर, क्या मांग है? ये आज पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी हैं, हर साल इनका ठेका चेंज होता है और इनके ऊपर नौकरी से निकालने की तलवार मंडरा जाती है। अब कोरोना काल में जब पूरा देश घरों के अंदर कैद था, उस समय फ्रंट लाइन पे इन्होंने काम किया, फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धा सरकार ने इनको बोला और फूल मालाएं बरसाई गई, तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई, लेकिन सम्मान के नाम पर इनके साथ कोई नौकरी पक्की हो, समान काम समान वेतन इनको मिले, ठेकेदारी प्रथा बीच में से निकले और ये विभाग के पेरोल पे हो, ये तमाम मांगे लेके ईपीएफ ईएसआई की सुविधा इनको मिले और जो श्रम कानून है उनकी ना कड़ाई से कराई जाए, ताकि इनके ऊपर जो तानाशाही जो ठेकेदारों द्वारा या दूसरे अधिकारियों द्वारा की जाती है, उस तानाशाही पर रोक लगे। तो आज सीएमओ के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद राज्य कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार, चाहे वो जिला स्तर पर प्रदर्शन का हो, हड़ताल का हो या रैली का हो, उस निर्णय पर सर कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटों खरा उतरेगा। और 26 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सर कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध दिवस मना रहा, जो सरकार ने वादा खिलाफी जो कर्मचारियों के साथ किया, कई संगठनों के साथ समझौता किया, बातचीत की, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। तो 26 फरवरी को पूरे प्रदेश के अंदर डीसी ऑफिसों पे सर कर्मचारी संघ हरियाणा विरोध दिवस मनाएगा और उसमें भारी संख्या में जो हमारे कर्मचारी है वो हिस्सेदारी करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप जो है स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, क्या मांगे? जो सरकार की ये कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इनको जल्द से जल्द वापस ले, कि हर बार मतलब टेंडर को ख़त्म करना, हर बार ये ठेका करना हमारे ऊपर भी एक मतलब बोझ होता है, हमारे दिमाग में टेंशन रहती है कि मतलब हर बार 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, 3 महीने बढ़ा दिया। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे रोज़गार को सिक्योर किया जाए, ताकि हमारे दिमाग में जो हम काम करते हैं उसमें भी हमारे दिमाग में टेंशन रहती है कि हम उसको मैच्योर तरीके से नहीं कर पाते। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है, हमारी यही अपील है सरकार से कि हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए और जो सरकार ये गलत नीतियाँ लेकर आ रही है कर्मचारियों के लिए, उनको रद्द किया जाए और सरकार अपने इन कानूनों को वापस ले और हमारी जॉब को सिक्योर करे। धन्यवाद। ये थे स्वास्थ्य कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, जो मांग कर रहे हैं कि उनके 3 महीने के बाद जो
उनके ऊपर गाज गिर जाती है कि उनको दोबारा से एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। इसी को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सीएमओ हाउस का जो है ना घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि सीएमओ हाउस का यहाँ पर घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल देखते हैं कि सीएमओ यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी पहुंचे हैं और सीएमओ ऑफिस का जो है ना घेराव करने के लिए पहुंचे और सभी मांग कर रहे हैं कि उनको 3 महीने का जो अल्टीमेटम दिया जाता है उसको खत्म किया जाए, उनकी नौकरी को सिक्योर किया जाए। हर 3 महीने बाद उनको एग्रीमेंट करना पड़ता है, इसलिए सैकड़ों कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कि उनके लिए उनकी जो नौकरी है वो सिक्योर की जाए। इसी मांग को लेकर यहाँ पर वह पहुँचे हैं। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर उनकी नौकरी के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाता है, क्या नहीं उठाता है। अभी सीएमओ को ज्ञापन दिया जाए और उस ज्ञापन देने के बाद मांग की गई है कि 3 महीने के बाद जो नौकरी स्कोर नहीं होती उनको दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ता है। कच्चे है पक्के की मांग है और न्यूनतम वेतन की मांग है। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी यहां पर सीएमओ का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और ज्ञापन देकर उनको मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नौकरी है वो पक्की की जाए। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।